चुनाव में कांग्रेस को जितनी बड़ी सफलता मिली है, सीएम पद के उम्मीदवारों की लिस्ट भी उससे छोटी नहीं है। जीत तय होते ही सीएम पद की रेस में तमाम दावेदार उभर कर सामने आ गए हैं। राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए करीब आधा दर्जन लोगों ने दावेदारी ठोक दी है। हालांकि सूत्रों से मिल रही खबरों की माने तो केंद्रीय श्रम मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे, पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली और सिद्धरमैया इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। कुर्सी के दावेदारों पर एक नजर डालें तो मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य में कांग्रेस के बड़े दलित नेता हैं और इस समय वो केंद्र में श्रम मंत्री हैं। 71 साल के खड़गे करीब 45 साल से कांग्रेस में हैं और उन्होंने अभी तक अपने सभी 9 विधानसभा चुनाव जीते हैं। राज्य में अभी तक कोई भी दलित नेता सीएम नहीं बना है, ऐसे में खड़गे की दावेदारी अहम मानी जा रही है। इसके अलावा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली भी रेस में आगे हैं। साफ सुथरी छवि के नेता मोइली पहले भी राज्य की कमान संभाल चुके हैं। एक अच्छे प्रशासक माने जाने वाले मोइली राज्य के वरिष्ठ नेता हैं। आला कमान से नजदीकी भी उनके पक्ष में जाती है। हालांकि मोइली के मुताबिक फैसला आला कमान को करना है। The procedure is that the Congress President Sonia Ji, she will send an observers here to take the sense of the MLAs, you know. Then that those observers carry the report to Congress President and Congress President will take decision. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मुनियप्पा भी कुर्सी के लिए ताल ठोक रहे हैं। कोलार से 6 बार सांसद मुनियप्पा को दलित होने का फायदा हो सकता है। हालांकि मुनियप्पा ने फैसला सोनिया पर छोड़ दिया है। कर्नाटक में इस समय विधानसभा में पार्टी के नेता सिद्धरमैया मुख्यमंत्री पद के चौथे दावेदार हैं। ओबीसी वर्ग के सिद्धरमैया एक प्रभावशाली नेता हैं। 55 साल के सिद्धरमैया 2 बार राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जनता दल सेक्युलर से कांग्रेस में आना उनके लिए थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। सिद्धरमैया ने पार्टी का यही रुख दोहराया है कि फैसला आला कमान को करना है। आई थैंक ऑल द वोटर्स ऑफ कर्नाटका फॉर हैविंग गिवन क्लियर मेजॉरिटी टू कांग्रेस पार्टी। सीएम की कुर्सी के एक और दावेदार हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार। अगड़ी जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले शिवकुमार बैंगलोर ग्रामीण इलाके से हैं। इन तमाम दावेदारों में कुछ खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी हैं। देखना है कि हाई कमान किसके हाथों में कर्नाटक की चाबी सौंपता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।